सब न्यूक्ली स्वागत है आप सभी का ट्रैफिक चैलेंज के पार्ट टू में। आप लोग को क्या लगा कि इसका नेक्स्ट पार्ट में एक साल के बाद अपलोड करूंगा? नो नी ना कोई ला। ये वाला चैलेंज स्टार्ट करा है तो फिनिश भी करके रहूंगा। और अभी फिलहाल पे जो बंदा फर्स्ट पे है आप लोग यकीन नहीं करने वाले कि कौन है। अगर आपने लास्ट पार्ट देखा है तो आपको पता होगा, लेकिन स्टिल अगर कोई भूल गया तो मैं वापस से बता देता हूँ। जो बंदा अभी फर्स्ट पे है वो है अपने प्यारे वड़ा पाव मेकर कैप्टन अमेरिका, जो की पूरे 1 मिनट 40 सेकंड सर्वाइव करे, जो की बहुत ज्यादा है। तो देखते है की इस वाले पार्ट में कोई कैप्टन अमेरिका को बीट करके चैंपियन बन पाता है कि नहीं। मैं जानता हूँ कि आप लोग क्या सोच रहे हो, ब्लैक विडो कहाँ चली गई? फिलहाल के लिए बेस भेज दिया है, उनके सर पे कुछ ज्यादा ही तेज लग गई। वो सब छोड़ो, मेरे बारे में कोई नहीं पूछने वाला। क्या क्या बात है मिस्टर डेडपूल, तुम्हारे चैलेंज में बहुत टाइम बाद आया हूँ ना, तो सोचा कि थोड़ा स्टाइल में आया। क्या बोलो, मेरे को लगा था कि एक नंबर का चोमू आदमी है, एवेंजर्स इसको देख के कुछ सीखो। यस, लर्न फ्रॉम मिस्टर डेडपूल। ये देखो मेरी गाड़ी को भी मेरे ही तरह पेंट करा रखा है। क्या बात है, ऐसा लग रहा है कि इसने भी सूट पहन रखा है, ब्लैक एंड रेड कॉम्बिनेशन। चलो तो आओ स्टार्ट करती है, और सभी लोग लाइक करो और सब्सक्राइब। जी हाँ गाइस, जैसे कि मिस्टर पूल ने बोला है, लाइक और सब्सक्राइब भी करिए, और डेडपूल ओपी करके भी कमेंट कर देना। वो लोग कमेंट करे या ना करे, मैं तो हूँ। पिछले वीडियो में ऑलमोस्ट नहीं सभी कंटेस्टेंट ने थॉर का जो रिवर्स वाला मेथड था वो यूज करा था। मैं वो सब चीजें नहीं करने वाला, सीधा आगे बढ़ने वाला हूँ। वही पूछने वाला था, तूने खुद जवाब दे दिया, सही है, बहुत तेजी। लेकिन इस वाले चैलेंज को जीतने के लिए सिर्फ तेजी से काम नहीं चलने वाला। ये देखो बस अभी अभी स्टार्ट हुआ है और आउट हो गया क्या? होने वाला था। हाँ, कुछ ज्यादा ही क्लोज था। फ्यूचर कंटेस्टेंट्स को तो मैं यही एडवाइस दूंगा कि जो थॉर का मेथड है वही यूज कर लो भाई, बेटर है। नहीं तो अपने मिस्टर पूल स्टार्टिंग में डक आउट होने वाले थे। सही स्पीड में जा रहे काफी, स्पीड तो सही है, राइट साइड से अभी लेफ्ट साइड जाने की कोशिश हो रही है, बट ट्रैफिक की वजह से ये मिडल में अटक गए और यहाँ से बच के जाना इम्पॉसिबल। बोले तो इम्पॉसिबल, कैसे कैसे कर दिखाया, नाइस ड्राइविंग। नहीं तो मेरे को सही में लगा था कि डेडपूल वापस ढूंढने वाला है। वापस से सेंटर में जा रही है, ओ नो, डोंट वरी, मर्द को दर्द नहीं होता। पूरे के पूरे 31 सेकंड सर्वाइव कराई, विच इज ओके, नॉट गुड नॉट बैड। ये सिर्फ गलती इस वाइट कार की वजह से हुई है। वेट, ये तो ऑलरेडी डेड है। अब इतनी तेज टक्कर मारेगा तो वही होगा ना। वो मेरी गाड़ी का बिल्कुल उल्टा। क्या बात है, देखो तो सही कौन आया है, ये चीटी मैन। ये आ गया, इसकी आवाज हम तक आ पाएगी? वो जानने के लिए एंट मैन कुछ बोलो। हेलो गाइस, आपसे बहुत टाइम के बाद मिलके मेरे को बहुत अच्छा लगा। ये तो अभी भी वैसे ही है। आयरन मैन से बोल के इसके हेलमेट के अंदर वॉइस बूस्टर लगाओ यार। चलो कोई नहीं, बोलने का कॉम्पिटिशन थोड़ी है, ड्राइविंग स्किल्स का कॉम्पिटिशन है। किसे पता की अपने चीटी मैन की ड्राइविंग बहुत ही ज्यादा ओपी हो। चीटी मैन लेट्स गो। मेरे लिए जेल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चीटी मैन प्लीज, आप सिर्फ रेस के ऊपर ध्यान दीजिए, बोलने का काम मेरे पे छोड़ दीजिए और बकवास करने का बॉब पे। मेरे से ज्यादा बकवास करता है तू, चल जा, हर कोई जानता है कि सबसे ज्यादा बकवास तू ही करता है। ऐसा है क्या? न्यूक्लियस कमेंट करके बता दो। देख लियो ज्यादातर लोग बॉब करके लिखेंगे। और ये क्या ड्रिफ्ट मारते हुए जा रहा है भाई? रेस स्टार्ट होने से पहले इसका इसकाय हो जाता, ऊपर से वो ऑयल टैंकर था। खुद के साथ साथ बाकी का भी इसकाय करा देता। अभी वो सब छोड़ो, क्या एकदम मस्त स्पीड में ड्रिफ्ट करते हुए गाड़ी चला रही। आजकल ये एवेंजर्स के बच्चे को ज्यादा शौक दे रही, देगा कितना क्लोज था, 0.001 मिलीमीटर से बचा। अब तो ट्रैफिक के बीच में घुस गया, ये पागल हो रहा है क्या? व्हाट द हेल इज हैपनिंग, गया नहीं गया। जो लोग इस चैनल पे नए हैं सबसे पहले तो सब्सक्राइब करो, और दूसरी बात ये है कि एक कंटेस्टेंट तभी आउट होगा जब उसका स्पीड जीरो पे जाएगा। टक्कर खाने के बाद भी अभी एंट मैन एकदम फुल स्पीड में अपनी गाड़ी चला रही है। चीटी मैन का तो अलग ही स्टाइल है, बोलते चेहरी बोलते, लेकिन ये चड्डी नहीं खोल रही, धूल उड़ा रही है। और रुक जा, ब्रेक खराब हो गया क्या इसका, रुक ही नहीं रही। माउंटेन ड्यू पीकर आया ही, डर क्या कि जीत है या फिर टक्कर, टक्कर है वो भी एकदम बढ़िया वाली, 10 में से 10 बर्गर। एंट मैन पूरे 45 सेकंड सर्वाइव करी। चलो डेडपूल को तो बीट करा, और उठ जा, क्या हो गया, मर गया कि? नहीं नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, डोंट वरी। तू वहाँ पर आग लग गई? तू क्या चीटी मैन है, हैंडल कर लेगा ये। अपन लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट कंटेस्टेंट की तरफ, जो कि है वुल्वरीन। ये बॉडी बिल्डर कब से बन गया? ओए बहुत टाइम से कुछ करने के लिए नहीं था ना, तो जिम पे जाके वर्कआउट करता था। आमडे को कुछ ज्यादा ही सीरियसली लेता है ये भाई, डोले तो देखो इसके सही में, उससे ज्यादा खतरनाक तो इसकी गाड़ी स्कूटी है। ये मत कहना कि खाली टाइम में डिलीवरी बॉय भी बन गया तू। ओए ये देखने में नॉर्मल लग सकती है, लेकिन बहुत तेज है, वो तो अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। तो आ जाओ स्टार्ट करती है। ऑलराइट बॉडी गाइस, जो अपने वुल्वरीन भैया है ये भी स्टार्ट करने वाले है। ओके कर दिया, मेरे को लगा ये ऑफ थी। ध्यान रखा कर, ये तो ब्लैक विडो वाली हरकतें हो गई। लेकिन ये ब्लैक विडो नहीं है, ये वुल्वरीन है, ये बहुत जल्दी उठ गया। वो तो अच्छा हो कि स्टार्टिंग लाइन के पीछे गिरा, अगर आगे गिरता तो आउट हो जाता अब तक। और ये पहला कंटेस्टेंट है जो कि लेफ्ट साइड से स्टार्ट करने वाला है। रुको जरा, कितना पीछे जाओगी? ओए तो चलो शुरू करा जाए। लेट्स पो गाइस, लेट्स पो। ऑलराइट ऑलराइट ऑलराइट, जिस हिसाब से स्कूटी स्टार्ट हुई है मेरे को लगता की ये तेज है। देखते रहो, 200 क्रॉस करने वाली है। अरे सही बोला, इतनी जल्दी 180+। बाइक का एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज ये है कि साइज कम होने की वजह से टक्कर होने के चांसेस भी कम है, और डिसएडवांटेज ये है कि अगर एक बार टकराओगे तो सीधा
आउट। ओ माय गॉड जिला, ये तो पागल हो गया, फर्स्ट पर्सन में कर रहा है क्या? स्कूटी चला रहा है 200 की स्पीड पे, इतनी तेज चला रहा है कि स्पीडोमीटर ही खराब हो गया। ओए सर्राती सर्राती रफ तारे है, आगे बस मंजिल है पीछे हवाए है। अभी थोड़ी देर में टनल आने वाला है, देखते कि इसके अंदर भी फर्स्ट पर्सन, हाँ इसके अंदर भी फर्स्ट पर्सन में चला रहा है भाई, सही में पागल हो गया। हर एक एवेंजर मेरे को शौक पे शौक दिए जा रहा है, मैं कभी इमेजिन ही नहीं कर सकता कि अभी तक की जो बेस्ट ड्राइविंग है वो वुल्वरीन की है। ऐसा मत बोलो, बुरा मत मान ब्रो, मैं तो बस सच बोल रहा था। चलो कोई ना, ये देखो डिस्टेंस तो काफी कवर कर लिया है, लेकिन टाइम के हिसाब से अभी एक मिनट होने ही वाली है, बस थोड़ी देर में ये दी लेजेंडरी ये समोसा एंड वड़ा पाव वाले को हरा देगा। ओ नो, कोई नहीं वुल्वरीन, नाइस ट्राई, बहुत बढ़िया चलाया। यस गाइस, एंटी वुल्वरीन करके एक कमेंट कर दो। ओए किसने गिराया, तोड़ दूंगा फोड़ दूंगा चड्डी खोल दूंगा। तूने गिराया क्या? ये क्या, आगे तो कोई डैमेज ही नहीं है। ओए तो क्या तूने गिराया? नहीं तूने, अरे किसने गिराया कोई बताओ तो सही। अगर इसे ये बताएंगे कि जिसने इसको क्रैश करा अभी वो आगे चले गया तो ये पागल हो जाएगा। इससे अच्छा कुछ नहीं बोलते गाइस, थोड़ी देर में अपने आप शांत हो जाएगा ये। और अगर हमेशा के लिए शांत करना है तो मेरे को बताओ। नहीं तू किसी को कुछ मत कर। ऐसा है क्या? क्यों तेरे को सुनाई नहीं दे रहा क्या? दे रहा है, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। कहाँ जा रहा है, देख के चल, ब्लैक विडो वहीं पे टकरा के नीचे गिर गई। इतनी घटिया हंसी, उससे भी ज्यादा अच्छी गाड़ी। बाद में ब्लैक विडो को बहुत चढ़ाऊंगा, पर गाड़ी तो अच्छी होगी, ये मेरी है। ड्राइविंग भी दिखा दो एक बार, मैं बोल रहा हूँ 10 सेंटीमीटर आगे नहीं जा पाएगा ये। वैसे ही मेरे को कहती हुई अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज है तो सही में कुछ भी कर सकता है। पहले भी बहुत बार चमत्कार कर रखे इसने, और ऊपर से जादूगर है। अरे जादूगर नहीं, ये सॉर्सरर सुप्रीम। सॉर्सरर चाहे जो भी हो, मेरे को तो जादू ही लगता है। चाय पीने वाला सॉर्सरर नहीं, सॉर्सरर। रहने दे डॉक्टर, ये चोमू है। वो तो है, तू बस ही हंसना बंद कर। ओ एलियो कटर कट्टू क्या बोल रहे हैं मेरे बारे में, व्हाट द हेल्स एंड हेवन। ओ नो, ये क्या बहुत तेज हवा चल रही है। हम लोग को तूने चोमू समझ रखा है क्या? सुपर पावर्स यूज करना मना है। मैं अपने पावर्स का यूज कर रहा हूँ, सही में हवा चल रही है। जल्दी से रीस्टार्ट कर, नहीं तो सीधा डिस्क्वालीफाई। जल्दी से रीस्टार्ट। डर के मारे सीधा टेलीफोन मार दिया। मैं किसी से भी नहीं डरता, वो मैं डिस्क्वालीफाई हो जाऊंगा तो सारे एवेंजर्स मेरे पे हंसने लग जाएंगे। वो तो पक्का वो लोग पहले से कर रहे होंगे, लेकिन अभी वो सब रहने तो, बिना मैजिक यूज करे सही चला रहा है। सही में ये मेरे को लगा था कि स्टार्टिंग में क्रैश कर जाएगा ये। लाइफ में हर एक चीज जो हम चाहते हैं वो होती नहीं है, क्योंकि मैं भी यही सोच रहा था कि स्टार्टिंग में आउट होगा। ओह यस लेट्स गो। आज तो ये कुछ ज्यादा ही जोश में लग रहा है, कि पागलों की तरह गाड़ी चला रहा है, ट्रैफिक को चीरते हुए निकल रहा है। अभी थोड़ी देर में टनल आने वाला है, देखते कि वहाँ पर क्या करता है ये। गया, खत्म, गुड बाय। ए नहीं, अरे उसकी माँ की। ए डॉक्टर गाली नहीं देने का, काम डाउन। अरे उसकी माँ की जय हो। बीपी की गोलियां खाया कर, इतना गुस्सा नहीं करने का। और स्पीड के बाद भी, हाँ स्पीड थोड़ी सी तो कम करी। जितना बेवकूफ लगा था उतना बेवकूफ है नहीं। और नहीं तो क्या, ये एक्चुअली में डॉक्टर है भाई, ऊपर से बहुत बड़ा सर्जन था। डॉक्टर जब तक कॉलेज खत्म करते हैं ना वो बुढ़े हो जाते हैं। चलो तो टनल को भी सेफली तो नहीं बोलूंगा, क्योंकि गाड़ी की हालत आप लोग देख सकते हो, लेफ्ट साइड से भी टक्कर पड़ जाएगी तो आगे तो स्क्वायर बन जाएगा। अभी होने वाली थी ब्रो, लेकिन ड्रिफ्ट करा आइए। लेकिन लगता है कि इसका खेल खत्म, दुकान बंद नहीं होने वाला। धीरे धीरे ये गाड़ी टूटे जा रही है, कैसे कैसे आगे जा रहा है भाई, कितनी बार टक्कर खाएगा। बाकी गाड़ियों के भी कपड़े उतार रहा है, ट्रैफिक जाम होने वाला है पर खतरनाक सा, जल्दी करना पड़ेगा। सच बोल रहा हूँ, सुपर पावर यूज करने देता तो सबको गायब कर देता। दैट वी ऑल नो, और जीरो पे चले गया था स्पीडोमीटर, देखा मैंने। टाइम बता, 1:29 विच मीन्स तू 12 सेकंड से चूक गया। अरे कोई नहीं, आधे चूमों से तो ज्यादा ही सर्वाइव कराऊ। अपने नेक्स्ट कंटेस्टेंट इतने छुटकू है कि पूरे आ ही नहीं रहे फ्रेम में। थोड़ी साल वेट करो, मेरी हाइट बढ़ जाएगी। डोंट वरी ब्रो, हम लोगों ने पूरा फिट कर दिया है। और ये क्या बात है, वाओ बिल्कुल बैडास लग रहा है। न्यूक्लियर ये बताओ, ब्लैक विडो दीदी कैसी है? ज्यादा खतरनाक चोट तो नहीं लगी, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी। अगर तुम बोलोगे तो मैं जाके देख कर आऊँ। चिंता मत कर, जार्विस एक्टिवेटेड है, अगर कुछ होता है तो नोटिफिकेशन आ जाएगा। तू अपना ध्यान पूरा का पूरा चैलेंज पे दे। ओके लेट्स गो बिंचन, यू कैन डू इट। शुक्रिया बब। तो गाइस क्या लगता है आप लोग को, अपने प्यारे बिंचन बोहरा जीत पाएंगे कि नहीं, कमेंट करके बताइए। एक्शन बूस्ट। इसका व्हीकल इस चैलेंज के लिए बहुत बढ़िया है, साइज में भी छोटा और टक्कर खाने के बाद भी आई डोंट थिंक ये उड़ने वाला है। छोटा व्हीकल बहुत तेज। ओ माय गॉड जिला गाइस, ये तो 200 के काफी नजदीक है। वेरी गुड गड्डी एंड ऑल्सो नाइस ड्राइविंग। धीरे धीरे ट्रैफिक के सेंटर में जाने की कोशिश कर रहा है। एंड ओ माय गॉड जिला के चाचा के दादाजी, बिंचन आर यू ओके? ए ठीक हूं। ए बंदर, तेरी तरह एलियन तो नहीं है? अगर है तो मेरे प्लेनेट का तो नहीं है। ये देखो इस गाड़ी की तो वाट लग गई, और मेरी गाड़ी कहाँ गायब हो गई, जानी तो मेरे को। चिकन क्रॉसिंग वाला जो गेम नहीं था पहले, वैसे ही लग रहा है बिल्कुल, ये रही तेरी गाड़ी। एक क्या बात है, ये भी मेरी तरह बिल्कुल स्ट्रांग है। तूने एक नया रिकॉर्ड बनाया है, टोटल सर्वाइवल टाइम ऑफ 13 सेकंड्स ओनली। मैं इतने भी कुछ खास नहीं। तारीफ नहीं जी, बिंचन और हल्क में एक चीज कॉमन है, दोनों के दोनों कैमरा में फिट ही नहीं होते, पूरा का पूरा कैमरा पीछे करना पड़ता है।
क्या बात है, मॉन्स्टर ट्रक देख लियो, ट्रैफिक को डिस्ट्रॉय करते हुए चले गए। वो तो ये करेगा ही, हल गया भाई, तोड़ फोड़ करने में बिल्कुल एक्सपर्ट। और ये क्या है, 250 किलो का मुक्का। ऑलराइट, शायद से मेरे को नेक्स्ट टाइम रूल्स चेंज करना पड़ेगा कि भाई ये खतरनाक चीजें मत ऐड करो अपनी गाड़ी पे। बट अभी फिलहाल के लिए इनकी गाड़ी कोई भी रूल्स को नहीं तोड़ी, तो यू कैन कंटिन्यू। लेफ्ट साइड से बैठो या राइट, कैसे भी बैठ जा, बस स्टार्ट कर। वैसे जब आप पहली बार देखो तो लग सकता है कि ये काफी ओपी है, लेकिन ये इतना ज्यादा ओवर पावर्ड भी नहीं है, क्योंकि ये मॉन्स्टर ट्रक चला रहा है जिसका साइज बहुत बड़ा है। सही बोला, ट्रैफिक से इजीली टकरा जाएगा। क्या बात है, बहुत दिमाग चला रहा है। मेरा फेवरेट तो हल्क है, मैं चाहता हूँ कि ये जीते। अब हर बार तुम्हारा फेवरेट सुपर हीरो थोड़ी जीतता है। वेल, इसको देख के लग रहा है कि शायद से जीत भी सकता है। बड़ा तो है लेकिन उसके साथ साथ काफी स्ट्रॉन्ग है। वेरी वेरी क्लोज, 2-3 किलोमीटर से बचा ही, अभी 0 पे चले आता। भैंस के ट्रकों को भी अभी आना था। बहुत बड़ी हल्क, राइट से जाओ। खतरनाक ट्रैफिक जाम होते हुए क्या ये सर्वाइव कर पाएंगे? व्हाट द हेल्स इन हेवंस, ये क्या हुआ अभी? हल्क इतना ज्यादा डिस्ट्रक्शन कर रहा है कि गेम भी पागल हो रहा है। और वो लाल वैन वाला भी आके सीधा हल्क से टकरा है। क्या बात है, वो दो पहियों के ऊपर डांस करते हुए मॉन्स्टर ट्रक के साथ ही क्या हो रहा है, आउट ऑफ कंट्रोल हो गए भाई। Not bad, 37 seconds survive कराए। Guys, next challenge के लिए best of luck करके comment कर दीजिए for Hulk। Out तो हो गया, उसके साथ साथ गाड़ी भी अटका दी। वाह। और ये क्या, Kawasaki Ninja? क्यों है ना बढ़िया? Wait, ये सड़ियल आवाज तो Black Widow की है। Nigel के बच्चे क्या बोला? मैं ये कह रहा था कि I am happy की तो सही सलामत है। मेरे को कुछ नहीं हो सकता। आई, ये बहुत बढ़िया, लेकिन तू गलत डायरेक्शन में जा रही है। ओहो, गलती से मिस्टेक हो गई। तो न्यू क्लीज, फाइनली काली विधवा इस बैक। सर पे बहुत ही ज्यादा खतरनाक चोट खाने के बाद भी ये सर्वाइव करी। देखते हैं कि ये ट्रैफिक में कितनी देर सर्वाइव करती है। स्टार्टिंग में मिडल पे चली गई। अरे बाप रे, बिल्कुल ब्लैक विडो वाली हरकत ही कर रही है ये। मेरे को लग रहा है कि ये बिनचैन का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए आई है। एक्चुअली सो फार सो गुड, बाइक की वजह से बच गई, नहीं तो ये पक्का टकरा जाती अब तक। लेकिन जैसे कि मैंने बोला था गाइस, बाइक के प्रोस भी है और कॉन्स भी है। एक छोटी सी प्यारी सी टक्कर और बिना टिकट के आप हवा में उड़ोगे। डैम, 202 की स्पीड में जा रही है। ये मैं किसी से कम हूं क्या? ओह माय गॉड, जिलास इनको देख के मेरे को क्यों हार्ट अटैक हो रहा है? बिल्कुल छपरियों की तरह चला रही है ये। टनल भी आने वाला है, वहाँ पर ऐसे चलाना काफी मुश्किल हो जाएगा। और इसी तरह ब्लैक विडो भी आउट और उनकी बाइक भी आउट, और इस चैलेंज के विनर है कैप्टन अमेरिका। ये क्या बात है, वड़ा पाव वाला जीत गया। बाल बाल बची, नहीं तो मैं भी एक्सप्लोड हो जाती।